नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ और बात हम करेंगे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की, जिनके आंसू अब दिग्विजय सिंह के लिए शोले बन रहे हैं। चुनाव से अभिभूत ये दृश्य आप देख सकते हैं और ऐसे एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को समझाती है, उस तरीके का प्रेम देखने को मिलता है। राजनीति में ऐसे दृश्य अमूमन कम दिखाई देते हैं। और ये क्या हो गया? दिग्विजय के खिलाफ साध्वी के आंसू बने अंगारे। पराजित तो होना सुनिश्चित है क्योंकि अधर्म पराजित होता है। अपमान के आंसुओं से साध्वी का प्रतिशोध। वो प्रचंड मतों से जीते, इसमें मेरा पूरा योगदान रहेगा। साध्वी के राष्ट्रवाद के खिलाफ दिग्विजय के साथ देशद्रोही गैंग। मैं कलेजा कुमार का समर्थक हूँ। कोई अगर हमको एडमायर करते हैं तो मेरे लिए खुशी की बात है। साध्वी का राष्ट्रवाद वर्सेस दिग्विजय का टुकड़े गैंग। कन्हैया कुमार जिन पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है और कोई नहीं मिला दिग्विजय सिंह जी को। टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा का प्रहार। तो तस्वीरों में आपने देख ही लिया कि साध्वी प्रज्ञा ने आज भोपाल में उमा भारती से मुलाकात की। उमा भारती से मुलाकात के दौरान की वो तस्वीरें थी जब साध्वी प्रज्ञा रो पड़ी। साध्वी प्रज्ञा वैसे पहले भी भावुक हो चुकी हैं। अब जरा इसे ऐसे भी समझिए कि चुनाव हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या साध्वी के ये आंसू अपने विरोधी दिग्विजय सिंह के लिए अंगारे साबित होंगे। बीजेपी नेता उमा भारती के कंधे पर सिर रखकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भावुक हुए, आंखों में आंसू भर। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही उमा भारती मिलने के बाद वहां से निकल ही रही थी। जैसे ही उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा को गले लगाया, उनकी आंखें भर। उमा भारती ने किसी तरह उन्हें संभाला। साध्वी पहले भी उनके ऊपर ढाए हुए जुल्मों को याद कर भावुक हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल है कि साध्वी के ये आंसू कहीं दिग्विजय सिंह के लिए अंगारे न बन जाए। दीदी ने जो सामने वाले नेता को हराया था 16 वर्षों तक, वो सिर उठाने का प्रयास नहीं कर पाए और अब पुनः ये अवसर मुझे मिला है और दीदी के आशीर्वाद से ही मिला है, तो इसलिए पराजित तो होना सुनिश्चित है क्योंकि अधर्म पराजित होता है। 2003 के चुनाव में उमा भारती की अगुवाई में बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को सत्ता से बाहर किया था। 16 साल बाद एक बार फिर दिग्विजय का सामना साध्वी से हो रहा है और साध्वी अपमान के आंसुओं का प्रतिशोध लेने की कसम खा चुकी है। भोपाल से उनका उम्मीदवार होना मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुशी का विषय है और वो प्रचंड मतों से जीते, इसमें मेरा पूरा योगदान रहेगा। और यहाँ पर तो मैं पहले ही बोल रही थी कि जो खड़े हैं दादा भाई दिग्विजय सिंह जी, उनको तो हमारा भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता भी हरा देगा, लेकिन प्रज्ञा दीदी तो एक असामान्य संत है, असाधारण संत है। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा का मुकाबला कांग्रेस के दिग्विजय सिंह से है। भोपाल बीजेपी का गढ़ रहा है, यहाँ से बीजेपी लगातार जीतती रही है। साध्वी प्रज्ञा के लिए लोगों के मन में सहानुभूति है, उन पर ढाए गए जुल्म लोगों के मन में सिहरन पैदा करते हैं। ऐसे में उनके आंसुओं की हर बूंद दिग्विजय सिंह की हार की कहानी लिखेगी। और यहाँ पर भूले नहीं, सियासत में आंसुओं की भी बहुत अहमियत होती है। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने उमा भारती से मुलाकात की। तो आपको बता दें, दिग्विजय सिंह देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार से चुनाव प्रचार करवा रहे हैं। मैं कन्हैया कुमार का समर्थक हूँ। कोई अगर हमको एडमायर करते हैं तो मेरे लिए खुशी की बात है। भोपाल में बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव मैदान में है, तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार अच्छे लगने लगे हैं। दिग्विजय सिंह ने कन्हैया कुमार को प्रचार के लिए बुलाया है। मेरी पार्टी में कंफ्यूजन था, सामने आएगा उसका एक शब्द
टुकड़े टुकड़े का कोई दिखा दे, कोई दिखा दे तो मैं खुद उसको अलग कर दूं। झूठ, पूरी झूठ। कन्हैया कुमार भी दिग्विजय सिंह के ऑफर से खुश हैं और उनके प्रचार में बिछ जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, कोई अगर हमको एडमायर करते हैं तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। वहाँ जब कैंपेन करने के लिए जाएंगे फिर आपको बुलाएंगे और आपको इंटरव्यू देंगे। बीजेपी पूछ रही है कि प्रचार के लिए कोई और नहीं मिला दिग्विजय सिंह को। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंसा अल्लाह इंसा अल्लाह, ऐसी गैंग का साथ देने वाले कन्हैया कुमार जिन पर देश द्रोह का मुकदमा चल रहा है और कोई नहीं मिला दिग्विजय सिंह जी को। कांग्रेस पहले कन्हैया कुमार का पर्दे के पीछे से समर्थन कर रही थी, अब दिग्विजय सिंह खुलेआम उनसे चुनाव प्रचार करवाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जनता के मन में ये सवाल जरूर होगा, क्या देशद्रोहियों का एजेंडा लागू कर रही है कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुल मिलाकर हमारी रिपोर्ट देखकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये लड़ाई राष्ट्रवाद वर्सेस टुकड़े टुकड़े गैंग बनती जा रही है, अगर खासतौर पर भोपाल की बात करें। अभी एक बार फिर से आपको बता दें कि चौथे चरण की 72 सीटों के लिए मतदान हुआ। इसमें माया नगरी और देश की कमर्शियल कैपिटल कही जाने वाली मुंबई की भी 6 सीटें शामिल थी। सितारे कैसे जमीन पर आए आपकी स्क्रीन पर देखा जा सकता है तस्वीरों के जरिए। इनमें राजनीतिक दिग्गजों के साथ साथ बॉलीवुड स्टार्स तो थे ही, उद्योग जगत की भी बड़ी हस्तियां, उन्होंने वोट डाले। इनमें राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा, आनंद महिंद्रा, शिवसेना के कार्यकारी प्रमुख उद्धव ठाकरे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, जावेद अख्तर, परेश रावल, रेखा, तो ये वो बड़े नाम। साथ ही हेमा मालिनी जो मथुरा से किस्मत आजमा रही हैं, उनके अलावा माधुरी दीक्षित, कंगना रनौत, सभी ने मतदान किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात समझिए कि ये वो दिन होता है जब आम और खास का फर्क खत्म हो जाता है। I'm sure this government, whosoever wins, will be kind of elected by the youth of this country. कर रहे हैं लोग, लेकिन कुछ थोड़ा हमारे सिस्टम भी still they are not so simple. Thank you. ज्यादा मात्रा में आज बाहर निकले, छुट्टी का आनंद बाद में उठाए, अपना पहले फर्ज निभाए, तो बाहर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निकले और मतदान जरूर करें लोकतंत्र। तो उर्मिला मातोंडकर ना सिर्फ मतदाता के तौर पर बल्कि वो तो उम्मीदवार भी हैं, उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। कहते हैं लोकतंत्र में हिंसा के लिए जगह नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान टीएमसी और बीजेपी के साथ हिंसक झड़प हुई है। दोनों के बीच में टीएमसी और बीजेपी वर्कर्स के बीच में बीजेपी टीएमसी समर्थकों पर वोटिंग के दौरान गुंडागर्दी का आरोप लगा रही है। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। वहीं आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बीजेपी नेता भारती घोष की कार पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गाड़ी में तोड़फोड़ मचाई। पुरुलिया में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ता पर आरोप लगाया। मुर्शिदाबाद और उत्तर मालदा में भारी हिंसा, पोलिंग बूथ के पास बम फेंके गए, 4 लोग घायल। लोकसभा चुनाव के चौथे दौर में पश्चिम बंगाल में एक बार फिर भारी हिंसा हुई। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के आसनसोल की है, जहां टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो को ही घेर लिया और पथराव कर दिया। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने पथराव के बीच बाबुल सुप्रियो की कार को वहां से निकाला। If this was a surprise to me that they would do this intimidation tactics, then I would have reacted in a different manner. Now, before I left my house, I told all of you that the first booth that I'm going to go, where there is trouble or there is intimidation. हिंसा करने वालों ने जी न्यूज की गाड़ी पर भी हमला किया। जो बीजेपी के जो समर्थक थे वहां पर और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच एक हिंसक झड़प होती है और उसके बाद ही बाबुल सुप्रियो की गाड़ी और हमारी गाड़ी जो है उसकी पूरी तरीके से ये जो विंड स्क्रीन है इसे तोड़ दिया जाता है। फिलहाल जो है बाबुल सुप्रियो ने इस मामले की जो है कंप्लेन की है इलेक्शन कमीशन को। हिंसा की ये तस्वीर सिर्फ आसनसोल से नहीं आई बल्कि पूरे बंगाल में यही हालात रहे। पीएम मोदी ने भी आज बंगाल की हिंसा के लिए ममता बनर्जी पर करारा हमला किया। उनका गुस्सा इतना आगे बढ़ गया है कि उनका अपना कार्यकर्ता भी उनके सामने आने से डरता है, भाग रहा है। उनको लगता है कि दीदी मोदी का गुस्सा कहीं अपने ही कार्यकर्ता पर ना निकाल दे। सवाल ये है कि क्या बंगाल में हिंसा चुनावी चरित्र बन चुका है?
पहले वाम दलों की सरकार के दौरान हिंसा होती थी, अब टीएमसी पर बूथ लूटने, लोगों को डराकर वोट लेने और विरोधियों को डराने के आरोप लग रहे हैं। क्या बंगाल के लोकतंत्र को ममता बनर्जी ने गुंडा तंत्र बना दिया है? सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आपको याद होगी, पिछले साल पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय चुनावों के बाद यही कहा था कि ग्रास रूट्स पर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एग्जिस्ट नहीं करता और लोकतंत्र के मापद में भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। अब ये आप बताइए, अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो और आप खुद ही उसमें मजाक बन जाए तो फिर क्या कहें? जी हाँ, ऐसा ही एक और सेल्फ गोल कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो गया है। कांग्रेस आईटी सेल प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाने के चक्कर में खुद मजाक बन गई है। आपको कांग्रेस आईटी सेल की कुछ ऐसी गलतियां हम दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद आप खुद ये सोचेंगे कि ये विरोधियों का मजाक उड़ा रहे हैं या खुद मजाक बन रहे हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए, पहली तस्वीर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई, दूसरी तस्वीर कांग्रेस के सोशल मीडिया की हेड दिव्या स्पंदना की है। दोनों ही ट्वीट के जरिए नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन फजीहत कांग्रेस की हो गई। पहले बात हिटलर और मोदी की तुलना वाली तस्वीर की, इसमें हिटलर और मोदी को बच्चे का कान खींचते हुए दिखाया गया है। फैक्ट चेक करने वालों का दावा है कि ये तस्वीर फर्जी है। ऐसे में सवाल ये है कि मोदी का अपमान करने के लिए कांग्रेस कब तक फर्जी तस्वीर का सहारा लेगी? दूसरी तस्वीर जो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुई है, इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मोदी के साथ मीम बनाया गया है। इस मीम में नेहरू कह रहे हैं कि जाएगा तो मोदी ही। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस मोदी विरोध में इस तरह से गिर गई है कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री और आजादी के बाद कांग्रेस के सबसे बड़े नेता का अपमान कर रही है? ये दोनों ट्वीट कांग्रेस आईटी सेल ने ट्वीट किए। सवाल ये है कि चुनाव के दौरान कांग्रेस की हर एक गलती का बीजेपी फायदा उठा रही है, तो कांग्रेस की आईटी सेल आईडी सेल यानी धमाका करने वाली सेल की तरह क्यों काम कर रही है? क्यों कांग्रेस अपने ही घर में धमाके कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कभी कांग्रेस की आईटी सेल तो कभी कांग्रेस के अपने ही नेता पार्टी की किरकिरी करा रहे हैं। जी हम बात करें इमरान के यार और कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू की, जिनके एक ट्वीट से हुआ है विवाद। सिद्धू के ट्वीट के बाद कांग्रेस पर एक बार फिर गरीबों का मजाक उड़ाने का आरोप लगा है। एक गलत वोट आपके बच्चों को चाय वाला, पकौड़े वाला या चौकीदार बना सकता है। बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले से तैयार रहे और इससे खुद का बचाव करें। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह ट्वीट वोटर्स का जोश बढ़ाने के बहाने किया है, लेकिन इसका एक एक शब्द गरीबों के लिए नश्तर की तरह चुभने वाला है। पीएम मोदी पर निशाना साधने वाले इस ट्वीट में सिद्धू ने उन गरीबों का मजाक उड़ाया है जो चाय बेचने, पकौड़े बेचने और चौकीदारी करने के पेशे से जुड़े हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भी पीएम मोदी को चाय वाला कहकर मजाक उड़ाया था। मैं आपको वायदा करता हूँ कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। कांग्रेस इस बार गरीबों के खाते में 72,000 डालने का वादा कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की सोच गरीबों के लिए क्या है इस तरह के बयानों से जाहिर हो जाता है। इमरान खान की भाषा, बाजवा की भाषा, पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन की भाषा नवजोत सिंह सिद्धू जी बोल रहे हैं। चाय वाला, पकोड़े वाला तो फिर भी काम है, वो बनना कोई गलत काम नहीं, लेकिन पाकिस्तान का स्लीपर सेल तो नहीं बन रहा। आप तो पाकिस्तान के स्लीपर सेल की भूमिका भारत के अंदर अदा कर रहे हैं।